मुंबई से दिल्ली जाना हो तो सबसे ज़्यादा डिमांड में अगर ट्रेन पे होती है तो वो है गरीब रथ एक्सप्रेस। फेयर भी बहुत कम है, टाइम भी बहुत फास्ट और अच्छा है। तो आज हम जर्नी करेंगे मुंबई से दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक गरीब रथ एक्सप्रेस में। मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन से मुंबई तक तो इसमें दो बार जर्नी की है, वो तो व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब फटाफट जर्नी शुरू करते हैं, कुछ ही पल बाकी है, सूरज भी ढल चुका है, चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो यार नीचे उतर गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, लेकिन तब अनाउंस किया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चलते हैं। कोच है G4 और थोड़ी सांस ले लेते हैं, चलिए। और ये फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, 287 लोकोमोटिव है जो कि अमूमन रहता है। और इसकी डिमांड तो यार ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े थे। और भाई बुरेली पे डिमांड हमेशा हर ट्रेन की ज़्यादा ही रहती है। चलिए अब ट्रेन रुकती है तो फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। गरीब रथ के कोचेस में हमेशा आप देखोगे ना दरवाज़ा थोड़ा सा कम ही लगेगा, तो इसलिए बड़े सूटकेस सब के टाइम तो हमेशा दिक्कत होती है। मेरी सीट तो यहीं है लेकिन अभी तो सब पिलो विलो रखी है, चलिए यहीं पे बैग रखते हैं। तो मैंने अपना बैग 71 नंबर सीट पे रख दिया है, अभी तो सब पिलो सब रखी है मेरी सीट पे। खैर वो तो बाकी है, अभी बोरीवली से छूटने के बाद फटाफट आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं डिपार्चर। तो ये होना चाहिए इंडियन स्टाइल, हाँ इंडियन स्टाइल है और क्लीन है, साफ है, ड्राई है, हैंड शावर भी है और इधर पे पंखा भी दिया हुआ है। तो पुराने स्टाइल का लेआउट है वॉशरूम का, तो वो प्रीटी मच से ऐसे ही रहता था और सही है। टैप भी है नॉर्मल स्टाइल की, सोप भी है, मिरर भी क्लीन है। चलिए अब उस तरफ देख लेते हैं, यानी कि जो दूसरी साइड है ये वेस्टर्न स्टाइल होगा। और हाँ ये वेस्टर्न स्टाइल है, टिश्यू पेपर सामने ही है और क्लीन है, ड्राई है, तो ये भी एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से वॉशरूम के मामले में अच्छा मेंटेन है। 6:07 हुआ है और ट्रेन बोरीवली से चल दी, यानी कि डिले 10 मिनट से भी कम ही है। इतना तो ट्रैफिक ज़्यादा रहती है लोकल ट्रेन की तो होता ही है। अगर आपको मथुरा भी उतरना हो तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर वेटिंग ज़्यादा है तो दिल्ली तक बुक कर लो, क्योंकि अमूमन दिल्ली तक के लिए वेटिंग जो है अगर 10-20 तक भी है तो कन्फर्म हो जाती है, अनलेस कोई पीक सीज़न या गर्मी या छुट्टियों का मौसम ना हो तो। बाकी मथुरा तक की वेटिंग थोड़ा भी ज़्यादा रहती है तो मोस्टली कंफर्म नहीं होती, क्योंकि कोटा बहुत कम है मथुरा का। चलिए अब चलते हैं अपनी सीट पे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, वो ये बात थी कि जब मैं बेडिंग का दे रहा था तो उनको पूछा कि भाई बेडिंग का एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे, तो उन्होंने ये बताया कि यार बेडिंग का चार्ज टिकट में नहीं लेते। फिर मैंने सोचा कि यार एक कंप्लेंट डाल देते हैं, इसीलिए मैंने रेल मदद को ट्वीट के थ्रू कंप्लेंट कर दिया। आपको अर्जेंट हो तो आप 139 के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और फिर उनका रिस्पांस आया, उनका रिस्पांस फ़ोन कॉल के थ्रू भी आया। खैर मैं वो नंबर्स तो नहीं आपको शेयर कर सकता, लेकिन उनका रिस्पांस ये था कि बेडिंग इस ट्रेन में चार्जेबल है लेकिन टिकट बुकिंग के टाइम वो पैसा नहीं लिया जाता। तो आप अगर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, 25 रुपये बचाना चाह रहे हैं तो आप बचा सकते हैं। आप सबसे सिंपली घर से बेडिंग लाएं और इस्तेमाल करें, और नहीं ना हो तो आपको ट्रेन 25 रुपये दे के आप आ सकते हैं बेडिंग। बेडिंग में आप ये ध्यान रखें, ब्लैंकेट, पिलो, हैंड टॉवल और 2 बेडशीट होनी चाहिए। जनरली वो दे नहीं रहे लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये होता है बेडिंग। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसमें ये बोल भी सकते हैं कि ये बेडिंग का नहीं है तरीका, अगर वो कोई भी आइटम नहीं दे रहा हो। तो ट्रेन सूरत पहुंची है ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट। हुआ ये है कि मुंबई राजधानी को कुछ तो भी प्रॉब्लम था, वो 1 घंटा लेट हुई, उसके पीछे सब ट्रेन 1 घंटा लेट है। खैर इसके बाद
खाना खाएंगे जो मैं घर से लाया हूँ। अगर आपको कुछ खरीदना हो तो सूरत पे डेफिनेटली खरीद सकते हो, और मैं तो बेस्ट यही रिकमेंड करूँगा सूरत पे खरीद लीजिए। ई कैटरिंग भी कर सकते हैं, ई कैटरिंग का भी ऑप्शन है, यानी कि ऑनलाइन आप बुक करके खाना मंगा सकते हैं अपने कोच पे, तो ये बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। ट्रेन में भी दे रहे हैं लेकिन वो बहुत ओवर प्राइस है, यहाँ तक कि पानी आने भी बहुत महंगा दे रहा है। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ पानी और ऐसे छोटी चीज़ें तो मेन स्टेशन से खरीद। पानी की भी अगर कमी लगे तो सूरत पे ले लें, बहुत सारे स्टॉल हैं। बहुत ही अच्छी गुड मॉर्निंग, और इतनी ठंड है कि बाहर तो देखने जैसा था नहीं। ट्रेन लेकिन एक घंटा अभी भी लेट है, 9:30 के करीब पहुंची है, 9:23 बोलना चाहिए, 8:18 का टाइम है, 8:18 का टाइम। तो मथुरा पे तो बहुत सारे लोग उतरे हैं, और यहाँ से अलीगढ़ आगरा जाना हो तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही बिजी स्टेशन है। अगस्त क्रांति भी रुकती है वो सब ट्रेन, तो वैसे अगस्त क्रांति राजधानी तो बहुत आगे है। खैर अब देखते हैं यहाँ से ट्रेन कब छूटती है, क्लियरेंस दे दिया, चलते हैं अंदर। तो 8:20 का मथुरा से छूटने का टाइम है, लेकिन 9:26 पे ट्रेन चल रही है, और पंक्चुअलिटी तो भाई एक घंटे से अब आप ज़्यादा डीले हो चुका है। इस ट्रेन में चेयर कार भी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत पहले एक बार इमरजेंसी में ट्रैवल किया था मुंबई से दिल्ली तक, और मेरी पेट की तो हालत ख़राब हो गई थी। अगर आपको मुंबई से सूरत वडोदरा या ज़्यादा में ज़्यादा रतलाम तक भी जाना हो ठीक है, या मथुरा से दिल्ली जाना हो तो भी ठीक है, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और ख़ास तौर से फैमिली के साथ तो बिल्कुल ही। चलिए अब मिलते हैं दिल्ली पे, लेकिन दिल्ली पे मिलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ। कई बार आप लोग सवाल करते हैं कि क्या इस ट्रेन में साइड मिडिल बर्थ है, तो जी हाँ इस ट्रेन में साइड मिडिल बर्थ है, और कुछ कोचेज़ में है। दिल्ली सराय रोहिला जो गरीब रथ है जो दोपहर में मुंबई से चलती है उसकी तरह बहुत सारे कोचेज में नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो बुकिंग करते टाइम ये ध्यान रखें। तो ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची है 11:05 से थोड़ा ऊपर, तो डीले तो काफ़ी रहा लेकिन ट्रेन का रन अच्छा था, कुछ ज़्यादा तो बाहर नहीं दिखा हुआ, हवा बहुत ठंडी है यार, और कोई खास क्रॉसिंग भी नहीं थी क्योंकि दूसरी लाइन पे शायद मेगा ब्लॉक। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, कोई ख़ास बात हो, कोई चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय।